Hello friends, today we are going to understand the difference between tax planning and tax avoidance under the subject corporate tax planning. उसी के साथ आप मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ. उसी के साथ आप मेरी ऐप एडुसम को डाउनलोड कर सकते हो. तो जो टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस के अंदर जो डिफरेंस है, देखो जो टैक्स प्लानिंग है इस वजह से की जाती है जिसके अंदर जो लॉ होता है उसको हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं ताकि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकें. लेकिन जो टैक्स अवॉइडेंस होता है इसके अंदर जो लॉ के अंदर लूप होल्स होते हैं उनको हम एक्सप्लॉइट करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. टैक्स प्लानिंग जो होती है दैट इज कम्प्लीटली विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, जिसका मतलब है कि लॉ की हर चीज के मतलब जो भी हम टैक्स प्लानिंग करते हैं दैट इज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ. लेकिन जो टैक्स अवॉइडेंस होती है यहाँ पे हम लॉ की आंखों में धूल झोंकते हैं. लॉ के अंदर जो टैक्स मतलब जो लॉ के अंदर लूप होल्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. टैक्स प्लानिंग जो है लीगल है, एक्सेप्टेड बाय ज्यूडिशरी. टैक्स अवॉइडेंस जो है टेक्निकली लीगल है बट वैसे अनएथिकल है क्योंकि यहाँ पे हमें हम दिखाते हैं कि हम लॉ को फॉलो करते हैं बट एक्चुअल में हम लॉ को फॉलो नहीं करते. ट्रांजेक्शन जो होती है रियल होती है, नेचुरल होती है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ होती है. लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होती है फैब्रिकेटेड होती है, सही नहीं होती. वहां पे हमने लूपहोल्स को यूज करके जो है दिखाते हैं कि हमारी ट्रांजेक्शन जो है बट एक्चुअल में वो एथिकली सही नहीं होती. देखो जो हमारी टैक्स प्लानिंग है दैट इज डिपेंडेबल क्योंकि हम लॉ को फॉलो करते हैं. टैक्स अवॉइडेंस के अंदर हम लॉ को टेक्निकली दिखाते हैं हम फॉलो करते हैं बट एक्चुअल में हम फॉलो नहीं करते. तो टैक्स प्लानिंग जो है क्योंकि उसी के साथ ही क्या है कि टैक्स अवॉइडेंस अगर पकड़ी जाती है तो वहां पे हमें टैक्स जो है बैकडेट से देना पड़ता है. टैक्स प्लानिंग जो होती है लॉन्ग टर्म होती है, टैक्स अवॉइडेंस जो होती है शॉर्ट टर्म होती है. टैक्स प्लानिंग जो होती है कॉम्प्रिहेंसिव होती है और टैक्स मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड होती है. ये नैरो अप्रोच होती है, मैनिपुलेटिव होती है क्योंकि यहाँ पे हम लूप होल्स को जो है यूज करके अपने टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं.